हेलो। देखिए, समय हो रहा है 10:24, डेट है 29/4/24। देखिए, आज हम लोगों ने कैसे टेट किया, मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आप सभी के साथ बताया था कि मार्केट देखिए गैप अप ओपन होने वाला है, तो इसमें दो केस हम लोग ट्राई करेंगे। पहला केस ये होगा कि वीकनेस पे हम लोग पुट की ओर जाएंगे, पहला केस। दूसरा केस था कि मार्केट एक रेंज अगर बनाएगा तो उस पर ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे कॉल साइड अदर देन पुट साइड। ये दो केस हमने बनाया था, जिसमें से अगर हमसे पूछेंगे कौन सा केस इसमें अप्लाई किए थे, तो हम तो यही कहेंगे एक ही, तो उसमें से एक भी केस नहीं अप्लाई हुआ था यहाँ पे। क्यों? देखिए, मैंने पहला केस जो बताया था कि मार्केट गैप अप ऊपर की ओर कंटिन्यूशन करेगा तो हम लोग वीकनेस पे पुट की साइड में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं दिखा, डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यूशन में पुट की ओर जाया। चाहते तो हम यहाँ पे ले लेते, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना था, हेल्दी कैंडल, यहाँ पे चाहते तो ले लेते, लेकिन मेरा पूरा व्यू था वो पुट के साइड में नहीं था। क्यों नहीं था? अगर हम मार्केट का ओवरव्यू आप सभी के साथ शेयर करें तो देखिए, सबसे पहले मार्केट का ओवरव्यू यही था कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, देन उसके बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरा तो यहाँ पे एक सपोर्ट गिरा और एक यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब इसमें ये केस बनता है कि मार्केट अगर गिरेगा तो अगर इसको टच करेगा तो पुट की ओर जाया जाएगा, अगर इसको टच नहीं किया तो हम कॉल के साइड में जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे कॉल का स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना, देन उसके अगले कैंडल में ये जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की ब्लैक लाइन, इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड को इनिशिएट कर दिया था। 1:4 का टारगेट लिया था, जिसमें से अगर आपको अगर हम मार्किंग करें, ये अपना एग्जिट वाला कैंडल है और ये अपना एंट्री कैंडल है, ये अपना एंट्री कैंडल है। 1:4 का टारगेट हमें मिल गया। सबसे पहले अपने टेलीग्राम आप सभी के साथ शेयर करें, तो देखिए आज है डेट 29 तारीख। देखिए, सबसे पहले मैंने आप सभी के साथ एक डायरेक्शन शेयर किया था कि अगर मार्केट इसको ऊपर की ओर रिट्रेस करके जाएगा तो हम लोग पुट की ओर जाएंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है, यही कि कैंडल साइज मैटर करता है। कैंडल साइज अगर सही बन गया तो हम लोग कॉल के साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अगले ही कैंडल में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, देन कंफर्मेशन पे हमने ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड लिया 10:06 पे। देन उसके बाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, आज शेयर किया इसलिए क्योंकि बहुत क्विक मूवमेंट हमको ये लेना था, क्योंकि हमको ये पता था कि ये जल्दी जाएगा, तो इसलिए मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि ताकि आप लोग इतना सर्च ना करें। देन उसके ही बाद यहाँ पे टारगेट हम लोग को अचीव होते हुए मिल गया, 1:4 का हमने टारगेट बुक किया। अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ अपना टेलीग्राम स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस देखिए हमने लिया था 100-195 पे, लगभग यहीं पे लिया था। देन उसके ब्रेकआउट पे 1:4 का हमने टारगेट लिया था। अगर मैं आप सभी लॉन्ग पोजीशन से मार्किंग करूँ तो लॉन्ग पोजीशन से 195 पे हमने लिया था, ठीक है, 196 हो गया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं 195 पे लिया था। देन 10 पॉइंट का एसएल होता है अपना, आप सभी को पता है, 185 का एसएल था। 1:4 का हमने टारगेट लिया था, तो 1:4 का इसी में हम लोग को टारगेट मिल गया था। तो आज का ये ट्रेडिंग था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इस चैनल से जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसे रीड करता हूँ, मैं पढ़ लूँगा कि आपने क्या, क्योंकि एक बंदे ने हमें बोला था कि सर लॉजिक को एक्सप्लेन किया करिए, तो मैं लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर उसमें भी डाउट है कि सर अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम वहीं पर रिप्लाई कर देंगे या फिर वीडियो में आके वो रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।